खुर्शीद। आज वन मिनट स्टोरी की 13वें एपिसोड में हमारे साथ हैं उर्दू के बेहद अहम फिक्शन निगार डॉक्टर हसन मंजर, और डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं बासलाहियत नौजवान सहाफी राणा मोहम्मद आसिफ। डॉक्टर साहब, आपके नजदीक आपने जो कुछ फिक्शन लिखा उसमें नौजवानों को क्या आप तजवीज करेंगे कि उन्हें वो किताबें पढ़नी चाहिए? और मैं अपनी किताबों में से जो चाहता हूँ कि जो आसानी से पढ़ी जा सकती है, उनमें मैं अपने दो नावल रिकमेंड करता हूँ। नंबर एक वबा, नंबर दो इंसान ए इंसान। और अफसानवी मजमे में मैं रिकमेंड करता हूँ सोई भूक या इंसान का देश। डॉक्टर साहब, नॉवेल्स तो आपके और भी हैं, यही दो नॉवेल इंसान ए इंसान और वबा, इनको तजवीज करने की क्या वजह है? इस वबा जो है इंसानी सोसाइटी का, वैसे जानवरों में भी होती वबाएं फैलती हैं, लेकिन इंसानी दुनिया में जब वबा फैली है जब जब, तो वो उसने अदीबों को हमेशा मुतासर किया है। और बहुत सी किताबें इस सिलसिले में वजूद में आई, मसलन प्लेग के बारे में, ताउन के बारे में। अल्बर्ट कैमियो का नावल जो है प्लेग, वो इसी के बारे में है। इसी तरीके से गैब्रियल मार्केस का नावल जो है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, उसमें स्लीपिंग सिकनेस का जिक्र है। एलेक्स मंथे का नावल जो है उसमें टाइफस का है। तो इसमें जो है वबा में एक बड़े शहर का जिक्र है जिसमें जो चेचक की जद में आ गया है, और उसमें बेतहाशा बच्चे और बड़े और जवान मर रहे हैं, और खासतौर से वो जो ऐसे इलाकों से आए हैं जहाँ पे के ये मरज होता ही नहीं है और उनमें उसके लिए मुदाफियत है ही नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको दिलचस्पी लगेगी और जख्म भी नहीं है। जहाँ तक इंसान है इंसान का सवाल है, एक आम आदमी का रोल है इसमें, जो कोई आइडियल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो ऐसा कैरेक्टर है जो हम में से अक्सर में है, और जिससे बजाय नफरत करने के हमें हमदर्दी पैदा होती है, बल्कि हम उसको दाद देते हैं कि उसने कम से कम मेहनत तो की, हिम्मत तो की कि वो किसी तरह अपने को सुधार सके। जो अफसानवी मजमूए आ चुके हैं बाजार में वो 6 हैं, लेकिन सातवां जो है वो ज़ेर तवात है, और अर्ली जो शुरू के अफसाने हैं वो अभी तक किताबी शक्ल में नहीं आए। इनमें मैं दो किताबों को रिकमेंड कर रहा हूँ, या इंसान का देश या सोई भूख। दोनों ही में हमारे मौजूदा माशरे के मुख्तलिफ पहलू हैं। इंसान के देश में तो बहुत बड़ा हिस्सा उसका भी है जो मशरक पाकिस्तान का हुआ, कि किस तरीके से लोग जो थे, जो मेहनत कश थे, वो डिवाइड हो गए और वो नहीं अपना सके कि हम किस मुल्क के हैं। हम एक माहिर नफ्सियात भी हैं, और फिक्शन के अलावा भी आपने कुछ नौजवानों के लिए कुछ काम किया जो आप चाहते हैं कि वो पढ़े। मेरा एक तवील मजमून है मौजूदा माशा और बरहना फिल्में। मैं उसकी अहमियत, हालांकि एक मजमून है, लेकिन मैं इसकी अहमियत किसी तरह अपने दूसरे अदबी कामों से कम नहीं समझता, क्योंकि वो एक मकसद के तहत लिखा गया था और हमारे माशरे का एक अहम पहलू है जिस पे रोशनी डालता है। दिमागों का मौजूदा माशरे में बरहना फिल्मों के जेर असर तबाह होना, मुख्तलिफ पहलू है उसके। तो वो मैं चाहता हूँ कि जरूर नौजवान पढ़ें और आपस में उस पर बहस भी करें, बातचीत भी करें और एक दूसरे को पढ़वाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।